रखिए, चौकन्ने रहिए। जिंदगी क्यों यहाँ लगती है परेशान सी, एक मुश्किल है जरा देखिए आसान सी, एक मुश्किल है जरा देखिए आसान सी। देखिए आपा, आप किसी भी तरह से इस मामले को अब किनारे पहुंचा ही दीजिए। कैसी हैं आप? अब्दुल बता रहा था कि आपने मुझे याद किया, सब खैरियत है ना? बड़ी बी ने तो ये कहा है कि अब अम्मी हमेशा यहीं रह जाएंगे। आमीन। भाई आपके मुंह में घी शक्कर। भूपी जान चाहती हैं कि हम अपनी हवेली ना जाएं, बल्कि यहीं रुक जाएं। गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए, तो आज यहाँ कैसे भाई? क्यों, आप सुबह सुबह एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हम सैर पे भी नहीं आ सकते? भाई हमने कब मना किया? हम तो यही चाहते हैं कि आप रोजाना आए और सैर करें और आपकी जो भी प्रॉब्लम है जरा सी बीपी की वो भी ठीक हो जाए बिल्कुल। हम अच्छी तरह जानते हैं आपको तो वैसे भी बहाना चाहिए हर वक्त हमारे साथ बिताने का। भाई आपने बिल्कुल सही भापा, बहाना तो चाहिए हमें। आप देख रहे हैं ना घर में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। कैसी कैसी बातें हो रही हैं? अरे वही बातें हो रही हैं जो हो रही हैं। हाय अल्लाह, इसका मतलब उन सब लोगों के साथ आपकी बातें हो चुकी हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए आप कि भाई हमारी भी कोई कनाइवेंस है इसमें। ना 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 ना, ऐसा मत सोचिए, हमें कुछ नहीं मालूम है, हम तो वैसे ही मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारी गैर हाजिरी में आपकी आदतें बिगड़ गई हैं। अब कौन सी आदतें बिगड़ गई हैं हमारी? भाई हम नहीं जानते अपनी आदतों को कि भाई ये बिगड़ गई और ये सुधर गई। हमें आपसे ये उम्मीद तो हरगिज नहीं थी अकरम साहब। क्या उम्मीद नहीं थी, कैसी उम्मीद नहीं थी? कि आप इतने कमजोर पड़ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हम नहीं जानते आप किन आदतों की बात कर रही हैं। हम तो ये जानते हैं कि जो कुछ हमारा खो गया था हम उसकी तलाश कर रहे हैं। अगर ऐसी बात थी तो एक बार आप हमें इत्तला तो करते, एक बार ही सही, कम से कम हमसे कांटेक्ट तो करते। आप तो वहाँ खुद परेशान थी। अब क्या इसमें भी हमारा ही कसूर है? याद है बिछड़ते वक्त आपने हमें अपनी कसम दी थी, हमें कहा था कि हम कभी आपसे कोई रابطہ कायम ना करें, वरना फिर आप कमजोर पड़ जाते हैं। वो तो हमने इसलिए कहा था आपसे कि आपकी जिंदगी में कोई खलल ना पड़े। लेकिन अब हम क्या करें, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात भी भूपी पता नहीं कैसी उलझाने वाली बातें कर रही थी। उलझा देने वाली बातें मतलब? वो हमसे पूछ रही थी कि क्या हम हमेशा के लिए यहीं नहीं रुक सकते। अब आप खुद ही बताइए कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? बड़ी बच्ची है हमारी, वो भला हमारे बारे में क्या सोचेगी? हमारा दिल तो बहुत घबरा रहा है क्योंकि भूपी आज हमसे जवाब चाहती हैं। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम उनको क्या जवाब दें। जो आपका दिल कहे वो जवाब दे दीजिए। हम सोच रहे हैं कि अभी हम बात को यूं ही टाल देते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें। इसके अलावा अब और किया भी क्या जा सकता है? शायद हमारे मुकद्दर में यही लिखा था। अगर आज भी आप मुकद्दर पे ही इल्ज़ाम थोपना चाहती हैं तो हम क्या कर सकते हैं?
प्लीज अकरम साहब, कम से कम आज तो हमें यूं अकेला मझधार में छोड़ के मत जाइए। हमें बताइए ना कि हम क्या करें। हम तो बता चुके हैं, आपका जो दिल कहे वो करिए। जहां तक हमारा सवाल है, हम आपसे पहले भी मोहब्बत करते थे और आज भी करते हैं। ठीक है, फिर आज हम फूफी को जवाब दे ही देंगे, फिर भले ही उसका नतीजा कुछ भी हो। तुम्हें मालूम है शाहिना, यह रूमी गेट अवध के चौथे नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था और इसे लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग भी कहा जाता है। और इसको बनवाने के लिए रोम से कारीगर मंगवाए गए थे और तभी इसे रूमी गेट भी कहा जाता है। और इसकी खासियत एक और है कि यह दोनों तरफ से अलग अलग दिखाई देता है। सलमान, ये बड़ा इमाम बाड़ा क्या है? बहुत नाम सुना है हमने इसका, मगर कभी इसे देख नहीं पाए। बड़ा इमाम बाड़ा भी एक तारीखी इमारत है। ये पूरी दुनिया में अपनी तरह अकेली इमारत है, डिज़ाइन से भी और इसकी तामीर करने की किस्सों से भी। सलमान, प्लीज़ हमें वहाँ भी लेके चलो ना। वहाँ आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। हेलो, हाँ कौन? अम्मी, हाँ बताइए। हाँ अम्मी जी, अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ओफो अम्मी, आप भी ना बस। जी अम्मी, हम जल्दी घर लौट आएंगे। ओके अम्मी, बाय। क्या हुआ, कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात नहीं, बस अम्मी कह रही थी घर जल्दी लौट आइएगा, शायद वो थोड़ा लोनली फील कर रही होंगी। लगता है कोई फैसला होने वाला है। फैसला? कैसा फैसला? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। सलमान बताओ हमें क्या बात है। आज शायद हमेशा के लिए आप लोगों को सलमान के घर में रहने की बात होने वाली है। अच्छा, इस बात का तो हमें पहले से ही शक था। यानी आप लोगों को इस बात की भनक थी? अरे सलमान, हमने अपनी जिंदगी के 16 बरस अमेरिका में बिताए हैं, क्या आप हमें बेवकूफ समझते हैं? और हमारा तो पहले से ही यहाँ से जाने का मन नहीं था, और ऐसा भाई थोड़े ही खोना चाहेंगे हम। भाई वहां जाके तो मजा ही आ गया। अरे चचा जान, वैसे देखा जाए तो पुराने घरों की बात ही कुछ और है। रेहाना की हवेली देखी, क्या शानदार हवेली है भाई। बेशक हम इन नए घरों में रहते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। अरे अरे, लगता है जलजला आ गया। चलो चलो, सब बाहर चलो यहाँ से। भाई घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, आराम से बैठ जाइए। घबराहट में, भागा दौड़ी में चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ ऐसा नहीं है, आराम से। अरे कुछ नहीं हुआ है, झटका आया था चला गया। सलमान जाके मेरा लैपटॉप लेकर आओ। हाय अल्लाह। अरे ये क्या हुआ था बेटी, ये जमीन क्यों हिल रही है? अम्मी, बहुत पहले आपने ये कहा था कि जलजला आने पर हमें बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए, मगर आज तक आपने उसकी वजह नहीं बताई। बेटा वो सब ठीक है, लेकिन ऐसे हालात में, ऐसी अफरा तफरी में अगर हम भागते हैं तो ज्यादा खतरा बनता है। तो ऐसे में इंसान को करना क्या चाहिए बेटी? इंसान को अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए, और अगर बाहर निकल के जहाँ आपको जाना है वो जगह दूर है और जलजला तेज है, तो घर में ही किसी भारी फर्नीचर जैसे मेज वगैरह के नीचे छिप जाना चाहिए। बेटी इसके मुताबिक कुछ समझ हो तो बताओ कि ये जलजले क्यों आते हैं? जी फूफी जान, दरअसल हमारी ये पूरी ज़मीन
नीचे बड़ी बड़ी चट्टानों की परतों से बनी होती है। हम लोग 7 खित्तों में बटे होते हैं, यानी 7 कॉन्टिनेंट्स। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस दुनिया में मेजर यानी अहम कॉन्टिनेंट्स यानी जमीनी फॉल्ट लाइनों की प्लेट्स कुछ इस तरह हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, बिस्मार्क प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ज़्यादातर यहीं से ये हलचल और ये जलजले पैदा होते हैं। अम्मी, ये हलचल तो हमारी ज़मीनी परत से कई किलोमीटर नीचे होती है ना? बिल्कुल, ये हलचल कई कई मील नीचे होती है। अगर ऐसा ना होता तो बहुत बड़े बड़े नुकसान होते। आंटी, आप बता रही थी कि हमारी ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, मगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या हैं? ये हमारी ज़मीन है, ठीक है? और हमारी ज़मीन की ऊपरी सतह से लेकर अंदर की सतह कई अलग अलग परतों की बनी होती हैं, और ये अलग अलग परतें कई तरह की चट्टानों और पिघली हुई धातुओं से बनी होती हैं। ये यहाँ इस तस्वीर में देखिए, इस सबसे ऊपरी सतह को कहते हैं क्रस्ट या कहें मिट्टी, और ये इससे निचली सतह को कहते हैं अपर मेंटल, और ये उससे भी निचली तह को मेंटल कहते हैं। सबसे अंदरूनी हिस्सों की इन दो सतहों को आउटर कोर और इनर कोर कहते हैं। ये अलग अलग परतें अलग अलग तरह की घनिष्ठता या कहें गहरे जुड़ाव की होती हैं। ये वाली सबसे अंदरूनी परत पिघली हुई धातु और चट्टानों की होती है। जब ज़मीन की गर्मी बढ़ती है तो ये अंदर ज़्यादा तेज़ी से पिघलने लगती है और धीरे धीरे ज़मीन की दरारों में फैलती है। जहाँ बड़ी दरार होती है वहाँ इनका एक चैम्बर सा बन जाता है, और फिर ये कभी भी एक धमाके के साथ बाहर निकल आती हैं, जिसे हम लावा कहते हैं। हमारी दुनिया में 7 फॉल्ट लाइनें यानी कि जो दरारें हैं, सबसे ज़्यादा जलजले वहीं पर आते हैं। इसका मतलब हमारी ज़मीन ऊपर से ही नहीं नीचे से भी बटी हुई है। या खुदा, वाह मियाँ वाह, बात तो आपने वाकई गहरी की है। हाँ, मगर ऊपर की दुनिया को तो हम इंसानों ने बांटा हुआ है भाई, नीचे की खुदा जाने। वाह चचा जान, क्या जवाब दिया आपने अब्दुल मियाँ को। और तो क्या, ऐसे ही थोड़ी इसे हम वाह वाही और ज्यादा नंबर ले जाने देंगे। अरे हम भी लखनऊ के पुराने खिलाड़ी हैं भाई। सुना है ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना जिसे जलजलों के बारे में पहले से खबर हो सके। हाँ, ये बात सही है। अब तक जलजले के बारे में सटीक जानकारी देने वाला कोई भी तरीका साइंस में नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर बता दिया है साइंस ने कि किस किस इलाके में सबसे ज्यादा जलजले आ सकते हैं या कौन से इलाके इसकी जद में सबसे ज्यादा आ सकते हैं। भाई बात तो आखिर वही आ गई ना कि कुदरत के खेल निराले हैं, उस परवरदिगार के खेल सिर्फ और सिर्फ वही जानता है। मगर साइंस ने बहुत से राज खोल दिए हैं और शायद एक ना एक दिन इसका भी कोई हल निकल आए। अच्छा अम्मी, ये सुनामी भी क्या इसी का नतीजा है? पिछले दिनों जापान में आई सुनामी से तो हमारी रूह ही कांप गई थी। बेटी, उस बात की याद मत दिलाओ। उस पानी की सैलाब को टेलीविजन पर देखकर हमारी तो रूह कांप गई थी। ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई हो। सही बात है अब्बू। वैसे हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग मकान और दुकान बनवाते वक्त इन जलजलों से बचने के लिए आर्किटेक्ट से कोई सलाह ही नहीं लेते। अरे नक्शे वक्शे छोड़ो बेटा, यहाँ तो लोग ये भी नहीं देखते कि जिस जमीन पर मकान बना रहे हैं वो जमीन मकान बनाने लायक है भी या नहीं। बस जरा सी बारिश आई और मकान जमीन दोस्त। इसी वजह से हमारे यहाँ जब भी जरा सा जलजला आया और अफरा तफरी मच जाती है। जी चाचा जान, आप सही फरमा रहे हैं। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो इमारत, जो बिल्डिंग हम बनवा रहे हैं उससे कई जिंदगियां जुड़ी होती हैं, और ऐसे काम शुरू करने से पहले ही हमें किसी आर्किटेक्ट से सलाह लेनी चाहिए। भाई आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जब मकान बनवाते वक्त हम नजूमी की,
ज्योतिष की, इन सबकी सलाह लेते हैं तो भाई आर्किटेक्ट की सलाह लेने में क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार वो हमारे भले की बात तो बताएगा। अब ये साइंस की बातें भला हम किस किस को समझाएं? अरे वाह छोटे अब्बू, अब तो आप पर भी साइंस का रंग चढ़ने लगा है। भाई हमारा तो यही फलसफा है कि अच्छी बात हर एक किसी से ले लो और बुरी चीज या बुरी बात अपने खून से भी ना लो। हाँ हाँ ठीक है आपका फलसफा। आप हमें एक बात बताइए कि ये पुरानी तारीखी इमारतें क्यों नहीं गिरती? बोलिए क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? वो इसलिए फूफी जान कि उस वक्त की इमारतें बनाने वालों ने भी उन्हें उस वक्त की साइंस के हिसाब से ही बनाया था। इसका मतलब ये है कि पुराने हुनर की अभी भी थोड़ी बहुत इज्जत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी पुरानी और नई सोच मिलकर एक नई और असरदार सोच को पैदा करती है। वाह बेटी वाह, हमारी पुरानी सोच और तुम्हारी नई सोच दोनों ने मिलकर कुछ अच्छा ही फैसला किया होगा। अम्मी ने फैसला कर लिया है? फूफी अम्मी ने किस बारे में फैसला कर लिया है? अरे भाई वही वही वो आपके वो सुनामी वाला। ये सुनामी बीच में कहाँ से आ गई? हम तो रेहाना के बारे में। फूफी जरा संभल के, फूफी अपने इस उतावलेपन को जरा संभालो, कहीं यहाँ सुनामी ना आ जाए। भाई अगर आप इस तरह से जुमलेबाजी करती रहीं तो कहीं ऐसा ना हो शाहीना भिदक जाए, और अगर इस तरह से कुछ हो गया तो सारे की किराए पे पानी फिर जाएगा मेरी आपा। जरा संभालो, शाहीना को इस बाबत अलग से समझाना होगा। हाँ हाँ मैं समझ गई, रेहाना का मामला है, समझदारी से ही निपटाना होगा। ये अम्मी का कौन सा मामला है? बड़े अब्बू आप ही हमें बताइए ना। अरे छोड़ो ना ये सब बातें, आप सबकी बातों में हमारा ये सवाल तो गुम ही हो गया कि आखिर ये सुनामी आती क्यों है। ठीक है मैं अभी आप सबको इस बारे में बताती हूँ। ये देखो ये 3D ग्राफिक्स, ये हमारा समंदर है और इसके नीचे भी ये जमीन है। इसकी ये जमीन भी उन्हीं 7 टेक्टोनिक प्लेट्स में ही आती हैं। ये है वो बड़ी बड़ी 7 चट्टाने या कहें टेक्टोनिक प्लेट्स। जब जबरदस्त हलचल की वजह से समंदर का कुछ पानी बाहर जमीन की तरफ आ जाता है उसे हम सुनामी कहते हैं। या अल्लाह ये सुनकर तो हमारा सर चकराने लग गया है। हम इंसान इस जमीन के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हाय तौबा करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम आग और दरारों के ऊपर बैठे हैं। लेकिन अल्लाह कुछ ताकतें अपने पास संभाल कर रख लेता है। जब इंसान गुनाह की हदें पार कर लेता है तो खुदा इन ताकतों से उनको सबक सिखाता है। सही बात है आपा। वैसे भी हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर इंसान में चिड़िया की तरह खाने और शेर की तरह ठिकाने में तबीयत बनी रहे तो उसकी जिंदगी और उसकी मुश्किलों का बोझ दूर हो जाएगा, वरना यह इंसान इसी तरह सरहदों, कौमों और मुल्कों के झगड़े में फंसा रहेगा और ऊपर वाले के इंसाफ और कहर को भूल जाएगा। क्योंकि ऊपर वाला जब खेल पलटता है ना तो वो ये नहीं देखता कि इंसान किस मजहब या कौम का है या मुल्क का है, भाई उसकी लाठी सब पर बराबर चलती है। सही फरमा रहे हैं चचा जान। भाई बहुत हो गया, अब हमें भी जाना है हॉस्पिटल जरूरी मीटिंग के लिए, और आप लोग भी खाना खाइए और आराम करें। क्यों चचा जान? भाई हम भी अब आराम करते हैं क्योंकि रात भर ट्रेन में सो नहीं पाए। एक कमबख्त मोटा आदमी इतने तेज खर्राटे ले रहा था मानो यही सुनामी आ गई। अब हम क्या करें?
फूफी को क्या जवाब दे। एक तरफ तो दिल कहता है कि हम अकरम का हाथ थाम ले और दूसरी तरफ दिमाग कहता है कि कहीं इससे बदनामी ना हो जाए। आखिरकार शाहीन को भी तो जिंदगी यहीं गुजारनी है। या अल्लाह अब हम क्या करें। अकरम कम से कम आप ही हमारी मदद कर देते। 20 बरस के बाद आप हमें मिले हैं, अब हम आपको भी तो नहीं खोना चाहते। या मेरे अल्लाह मेरे मौला, हम फूफी के पूछने पर आज वही बोलने जा रहे हैं जिसे हमारा दिल बोलना चाहता है। अगर इसमें हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हमें माफ करना परवरदिगार। हमसे आज वही बुलवाना जिसमें आपकी भी रजा हो। या मेरे मौला, हमने आज तक नमाज के बाद आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज मांगते हैं। रिहाना बेटी से हाँ कहलवा दो मेरे खुदा, हमारे इन बच्चों के घर और ज़िंदगियाँ आबाद कर दो मेरे परवरदिगार, आबाद कर दो। ऐ खुदा, फूफी को कामयाबी देना, रेहाना मैडम से हाँ करवा देना। वर्षों के बाद इस घर में खुशियाँ आई हैं, उन्हें बरकरार रखना है खुदा। रात की खोल दे गिरा तो सुबह निकलेगी, उलझे उलझे से ख्यालात की राह निकलेगी। यूं ही भटकेगी जिस्त कब तलक हैरान सी, एक मुश्किल है जरा देखिए आसान सी, एक मुश्किल है जरा देखिए आसान सी। मन की बात है।